दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से यह जो शरीर विज्ञान है बहुत महत्व का है। चिकित्सा करते वक्त हमें कई बातों के ऊपर ख्याल रखना होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति को जब फर्स्ट टाइम घबराहट होती है तो पूरा घर सिर से उठा लेता है, वो पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर के पास जाएगा, कई सारे लोगों को फ़ोन करेगा, घबराहट हो रही है, हार्ट ब्लॉक तो नहीं है, तरह तरह की बातें होती है। दोबारा जब घबराहट उत्पन्न उठ जाए शरीर में तो वो थोड़ा इग्नोर करता है, उतना उसको टेंशन नहीं होती जितना कि फर्स्ट टाइम हुआ था। क्यों? जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो कभी हुआ ही नहीं था, पता नहीं क्या कोई नया चीज़ आ रहा है, तो शरीर भी अस्त व्यस्त रहता है, उस चीज़ को पहचानता नहीं है कि वो क्या चीज़ है। लेकिन ध्यान देना, घबराहट जो है किसी फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल किसी प्रॉब्लम के कारण से घबराहट उत्पन्न हो रही है। घबराहट होना कोई रोग नहीं है, किसी के कारण से वो उत्पन्न हो रहा है। वो कारण जस का तस है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तक वो चीज़ें उत्पन्न होता है, फिर शरीर उसको संतुलित करने का प्रयास करता है, वह घबराहट अब दोबारा नहीं होता। पेशेंट को लगता है कि मैं तो ठीक हो गया, लेकिन इंटरनल एनाटॉमिकली वह व्यक्ति अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है। कुछ तो हो रहा है शरीर के अंदर जिससे आने वाले समय में उसको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी मेरे पास एक ऐसा ही पेशेंट आया, उसको आज से 4 साल पहले ऐसा ही कुछ सिम्टम्स था। उसको जबरदस्त बुखार आता था, पहले घबराहट होती थी बाद में बुखार आता था 4 साल पहले। उसके बाद घबराहट भी नहीं हुआ, बुखार भी नहीं आया, कुछ एलोपैथिक दवाई उसने खाया था। अब आकर के आज 4th साल में उसको एपिलेप्सी सीजर अटैक हुआ। अब डॉक्टर उसको एपिलेप्सी कहता है और उसको कुछ इस तरह के फिनाबारबिटोन जैसे कुछ मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, मेडिसिन खाता है, लेकिन फिर भी उसको एपिलेप्सी ठीक नहीं हो रहा है। मूल कारण क्या है कि जो शरीर ने फर्स्ट टाइम जो सिम्टम्स दिखाया था घबराहट के रूप में, बाद में फीवर के रूप में, वो उसके शरीर में जस का तस है। हाँ, उसके सिम्टम्स को शरीर ने पहचाना और शरीर ने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। अब उसको फीवर तो नहीं आता, अब उसको घबराहट भी नहीं होती, लेकिन जिन कारण से वो घबराहट और फीवर शरीर के अंदर था तब पहले, वो कारण जस का तस आज भी है। और वो कारण अब पहले तो छोटा था, अब वो बड़ा हो गया। इसमें चिकित्सा क्या करे? एपिलेप्सी करे? नहीं, इसमें हम चिकित्सा करेंगे जीर्ण जोर का। ध्यान देना, ये जोर का ही चिकित्सा होगा। यहां पर जीर्ण जोर पुराना बुखार है, ऐसा करके आपको चिकित्सा की जो विधि है उसको आपको खोजना होगा और उस व्यक्ति का चिकित्सा करना होगा। जीर्ण जोर में जो अपस्मार बताया है, जीर्ण जोर में भी बेहोशी बताया है, जीर्ण जोर इस रोग में भी अपस्मार के बारे में, मिर्गी के बारे में बताया हुआ है। आप www.ayushyogi.com इस वेबसाइट में जाए, वहां सेल्फ डायग्नोसिस उसमें लिखिए जीर्ण ज्वर या ज्वर लिखिए, या आप वहां लिखिए मिर्गी या एपिलेप्सी लिखिए। आप लिखने के बाद जो भी रिजल्ट सामने आता है उसको आप पूरा आप ऊपर से नीचे तक स्टडी करिए, वहां पर जीर्ण ज्वर भी आता है। तो चिकित्सा हमें जीर्ण ज्वर का करना है। बस 100 बात की एक बात यह है, जब भी कभी कोई पेशेंट आए उससे पहला सवाल यह होना चाहिए कि भाई कभी भी आपने लाइफ में पहले किसी चीज का मेडिसिन खाया है तो बताओ, तब आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति को बेसिकली हुआ क्या है। अगला बोलेगा, सर मैं तो पहले बहुत बीमार बुखार रहता था, ये था वो था, मेरा जो है लीवर में प्रॉब्लम थी, स्प्लीन में प्रॉब्लम था, अब वो ठीक हो गया, अब नहीं है, अब बुखार थोड़ी है, अब तो 1-1.5-2 साल हो गया, कुछ नहीं है, न लीवर में दिक्कत है न स्प्लीन में दिक्कत है। समझ लो, अब जो कुछ भी उसको होता हो इस रोग को नहीं बल्कि उस रोग को पकड़ना है, क्योंकि कभी भी एलोपैथिक किसी व्यक्ति के शरीर के टॉक्सिन को डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता, उसके जड़ से काम नहीं करता है। निश्चित बात है, एलोपैथ हमेशा दबाने का ही प्रयास करता है, उस कंडीशन को एलोपैथ ने दबाया जरूर है, और परिणाम यह है कि आज वही समस्या कुछ बड़े आकार में कुछ और नाम वाले रोगों के साथ उत्पन्न हुआ है। इसको अब बुखार नहीं कहा जाएगा, इसको कुछ और कहा जाएगा, लेकिन इसका जड़ उसी के साथ है। चिकित्सा उसकी करनी है, इसकी नहीं।
जब उसकी चिकित्सा करोगे तो पेशेंट हो जाएगा ठीक, लेकिन उसकी चिकित्सा करते वक्त इसकी चिकित्सा का भी ख्याल रखना। जैसे अब इस पेशेंट में जीर्ण ज्वर अगर उसको हो रखा है तो हम जीर्ण ज्वर का ही चिकित्सा करेंगे, लेकिन चिकित्सा करते वक्त अपस्मार का भी ख्याल रखेंगे। चिकित्सा हमें सिम्टोमेटिक चिकित्सा अपस्मार का करना है, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा जो विस्तृत जो हमारा पंचकर्म का जो व्यवस्था है ट्रीटमेंट का वह रहेगा दोस्तों जीर्ण ज्वर का, ये ख्याल रखना, तभी हम किसी पेशेंट को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ आयुर्वेद के अंदर की गहरी बातें। ये सारी चीजें एनालिसिस करने के लिए आपको www.ayushyogi.com, क्योंकि ऐसी ये कुछ और भी बातें हैं इस तरह के तो जिसको आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए वेबसाइट में सेल्फ डायग्नोसिस एक AI टूल हम लोगों ने तैयार किया है। कुछ नहीं करना है आपने, आपका जस्ट काम इतना ही है, वहां गए पेशेंट का जो सवाल है जो सिम्टम्स है उसको वहां लिखा, लिख करके जो भी चीजें सामने आता है पेशेंट से पूछते जाना है, फाइनली क्लिक करना है। उसमें फर्स्ट टाइम उसमें आपको कुछ पेमेंट जमा करना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यवस्था है और इसके लिए कुछ अमाउंट हमें चाहिए होता है, क्योंकि सेवा आप ले रहे हैं तो आपको भी आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट का व्यवस्था कर दे, तो उसके माध्यम से आप एनालिसिस करेंगे। वह वेबसाइट ऐसा है जिससे आप आयुर्वेद के ऊपर जितना मर्जी आप स्टडी करो, जितने भी हमारे आयुर्वेद के पुराने पुराने बुक है, नए और पुराने नए रिसर्च जो और पुरानी बुक, इन सबको लेकर के जितने भी फॉर्मुलेशन है, जितने भी रिसर्च हुआ है आयुर्वेद के क्षेत्र में अलग अलग रोगों में, सब कुछ आपको एक क्लिक करते ही मिल जाएगा। अब आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं करना है, बस वेबसाइट आपके लिए पर्याप्त है www.ayushyogi.com। तो समय आगे बढ़ रहा है, तो समय के साथ हमें भी थोड़ा सा नया बनते हुए आगे जाना चाहिए, ताकि एलोपैथ के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे चलना हमारे लिए अभी बहुत जरूरी है। तो इस कदम में हम आयुषयोगी के माध्यम से एक कदम आगे बढ़े हुए हैं, इसमें आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिए और वहां से जितना हो सकते आप एनालिसिस करिए, और आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं उनको आप सही चिकित्सा देने का प्रयास करें। तो दीजिए विदा, नमस्कार।